इंपॉर्टेंस ऑफ डिवेलपमेंट आर एट डिफरेंट लेवल्स प्री स्कूल किनर गार्टन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लेवल्स डियर स्टूडेंट्स मुझे uh, इस मॉड्यूल में आपसे लैंग्वेज डिवेलपमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में मुख्त ले पर बात करनी है सो प्री स्कूल लैंग्वेज डिवेलपमेंट अर्ली लैंग्वेज स्किल्स आर क्रिटिकल फॉर सक्सेस इन स्कूल एंड इन लाइफ तो लैंग्वेज uh, के जो स्किल्स हैं वो लाइफ uh, में और स्कूल uh, लाइफ uh, में भी उनकी uh, की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है कि जो बच्चे इब्तई दौर में उनके लैंग्वेज स्किल्स डेवलप हो जाते हैं उनकी लैंग्वेज और उनकी परफॉर्मेंस स्कूल में और uh, आम लाइफ में बेटर होती है सो चिल्ड्रन हैव स्ट्रॉग लैंग्वेज स्किल्स आर बेटर एबल टू कम्युनिकेट देयर नीड्स तो वो बच्चे जिनकी में लैंग्वेज जिनकी डेवलप हो चुकी होती है वो वो अपनी नीड्स के इजहार को बेहतर अंदाज़ में कर सकते हैं और फ्रॉम पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद अदर्स तो दूसरों के साथ बेटर रिलेशनशिप्स कायम कर सकते हैं पार्टिसिपेट इफ़ेक्टिवली इन क्लास तो क्लास में वो इफ़ेक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्लास की एक्टिविटीज़ में प्री स्कूल लैंग्वेज डेवलपमेंट की अहमियत पर मज़ीद बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्री स्कूल लेज द फ़ाउंडेशन फार मोर एडवांस लैंग्वेज स्किल्स तो प्री स्कूल लेवल पर जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बाद में लैंग्वेज डेवलपमेंट की फाउंडेशन फ़राहम करती है जो इस पे चल के आगे मज़ीद बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी लैंग्वेज को आगे लिटरेचर की शक्ल में दें या आगे जाएँ तो इबदा में जिन बच्चों की लैंग्वेज बेहतर होती है वो उनमें Uh, वही लैंग्वेज उनको फाउंडेशन फ़राहम करती है सो चिल्ड्रन हु आर एक्सपोज टू रिच लैंग्वेज इन्वायरमेंट्स जो बच्चे जिनको रिच लैंग्वेज इन्वामेंट से उनको वास्ता पढ़ा हो इन प्री स्कूल आर मोर लाइकली टू डिप स्ट्रॉग लिटरेसी स्किल्स तो उनमें बहुत बेहतर लिटरेसी स्किल्स डिवेल्प हो जाते हैं एंड परफॉर्म बेटर एक्डेमिकली इन लिटरेयर और बाद वाले सालों में वो ताली तौर पर यानी एक्डेमिकली वो बहुत बेहतर अंदाज में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं और अर्ली इंटरवेंशन हेल्प आइडेंटिफाई एंड एड्रेस लैंग्वेज डिलेज़ और डिसऑर्डर्स तो जो इब्तदाई अर्ली इंटरवेंशन हैं जो इब्ता में अगर किस कुछ बच्चों में कुछ इस तरह के मसाइल हों तो उनकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए अगर टीचर कोई ऐसी स्ट्रेटजीज़ यूज़ करे उनकी प्रैक्टिस से या कुछ और स्ट्रेटजीज़ यूज़ कर ले तो वो उनकी लैंग्वेज बाद में आने वाले सालों में इम्प्रूव हो जाती है टीचर्स हु आर ट्रेन टू आइडेंटिफाई एंड सपोर्ट चिल्ड्रन विद लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ तो जो टीचर जो उस बच्चों की लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं वो उनको उनके बारे में वो उसके लिए उनको वो आइडेंटिफाई करते हैं पहले और फिर उनको सपोर्ट करते हैं मुख्तफ़ एक्टिविटीज़ के ज़रिए वो उनकी लैंग्वेज को इम्प्रूव करते हैं उनकी लैंग्वेज लैंग्वेज डिफ़िकल्टी और डिसेबिलिटी में ये फ़र्क है कि लैंग्वेज डिफ़िकल्टी है जो इम्प्रूव हो सकती है प्रैक्टिस के साथ लेकिन डिसेबिलिटी जो है ये इम्प्रूव नहीं हो सकती ये डिसेबिलिटी uh, होती है यानी माजूरी होती है सो कैन हेल्प एन्शोर दैट दिस चिल्ड्रन रिसीव द अर्ली इंटरवेंशन दे नीड टू सक्सीड तो जो बच्चे जिन्होंने इब्तदा में आ, उनको अगर कुछ उनमें कोई प्रॉब्लम था उनकी लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से तो उन्होंने अगर टीचर्स ने उनको कोई इंटरवेंशन या कुछ छोटा मोटा उनकी ट्रीटमेंट किया होगा तो वो बाद में वो कामयाब हो जाते हैं किंडरगार्टन लेवल पर चिल्ड्रन लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो अहमियत है वो स्ट्रॉन्ग अर्ली लिटरेसी स्किल्स आर असेंशल फॉर सक्सेस इन स्कूल एंड बियॉन्ड तो स्कूल और उससे अगले वाले सालों में जो लिटरेसी स्किल्स की डेवलपमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है चिल्ड्रन हु किंडर गार्टन विद स्ट्रॉग लैंग्वेज स्किल्स जो बच्चे स्ट्रॉग लैंग्वेज स्किल्स के साथ किन्डर गार्टन में दाखिल होते हैं या उसमें पहुँचते हैं वो बेटर प्रिपेयर्ड टू लर्न टू रीड एंड राइट, तो बेहतर अंदाज से वो सीखना और लिखना और पढ़ना जानते हैं और विच सेट्स दम अप फॉर द सक्सेस थ्रू आउट द देयर करियर और पूरे उनके जो एकेडमिक करियर है वो उसमें उनको सेट कर देते हैं उनको वो प्रिपेयर कर देते हैं नेक्स्ट आने वाले सालों के लिए और किंडरगार्टन के लेवल पे ही लैंग्वेज डेवलपमेंट के हवाले से ये बच्चों की जो हेल्प्स चिल्ड्रन लर्न टू एक्सप्रेस दमसेल्फ मोर इफेक्टिवली तो इस 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 दौर में जो लैंग्वेज का सीखना है या लैंग्वेज की जो उनकी बेहतर डेवलपमेंट है वो उनको बेहतर अंदाज़ में अपनी वो अपने इजहार का मौका फ़राहम करती है और दिस स्किल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट और ये सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अहम है और फॉर फार सक्सेस के लिए भी सो टीचर फोकस इन किन्डर गार्डन कैन हेल्प आइडेंटिफाई एंड एड्रेस एनी लैंग्वेज डिफिकल्टी किसी भी किस्म की उनमें अगर लैंग्वेज डिफिकल्टी है तो टीचर अगर उनको आइडेंटिफाई करके तो उनको वो उनको उनके एक्सपीरियंसेस को बेहतर बना सकते हैं उनकी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं और उनको बाद में आने वाली सालों की जो मुश्किल से महफूज रख सकते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है चिल्ड्रन हु आर एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ जिनकी लैंग्वेज पहले डिवेल्प हो चुकी होती है या बेहतर हो चुकी होती है तो वो अपने अच्छे अंदाज़ से वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं और थिंक क्रिटिकली आर मोर लाइकली टू सक्सीड इन स्कूल एंड लाइफ और जो जिनकी लैंग्वेज डेवलप हो हो चुकी होती है वो अपने आप को बाद में स्कूल लाइफ में और बाद में आने वाली लाइफ में ज़्यादा कामयाबी से वो जिंदगी का मुजाहरा कर सकते हैं और लैंग्वेज डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड में वो बच्चों की उनकी क्रिटिकल थिंकिंग जो है उनमें तनकीदी सोच डिवेल्प करती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनमें पैदा करती है जो कि जो उनकी कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी हैं सो चिल्ड्रन एक्सपोज टू द रेंज ऑफ लैंग्वेज रिच एक्टिविटीज़ जिन बच्चों पर लैंग्वेज रिच एक्टिविटीज़ जिनका जो वो सामना करते हैं जिन पर एक्सपोज होती हैं जैसे ड्रामा और डिबेट के जरिए आर मोर लाइकली टू डिप दीज इम्पोर्टेंट स्किल्स तो उनमें ये स्किल्स ज़्यादा अच्छे तरीके से डिवेल्प होते हैं और टीचर्स जो ट्रेन होते हैं तो वो इस सिलसिले में मुख्तु सरगर्मियों को क्लास में इस्तेमाल करके या होम टास्क देकर बच्चों को उनकी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं तो इस तरह ये यही लैंग्वेज जो है इसकी डेवलपमेंट हर लेवल पर बहुत इम्पोर्टेंट है उनकी स्कूल लाइफ के लिए और जो अपनी आम लाइफ की में कामयाबी के लिए भी